Hi guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing fine. I'm back with a new video for you all. आज का जो हम घर कवर करने जा रहे हैं वीडियो में, ये 4BHK सिंप्लेक्स हाउस है. स्टेयर्स जो हैं इसकी बाहर से हैं. अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है. इट्स अ नॉर्थ फेसिंग हाउस. और अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो ये 25 feet by 50 feet का प्लॉट है जिसके ऊपर घर बना हुआ है. 25 feet इसकी विड्थ है और 50 feet इसकी डेप्थ है प्लॉट की. सो इट्स अ 138 स्क्वायर यार्ड हाउस. लोकेशन की बात हम करेंगे तो सेक्टर 125 सनी एनक्लेव का ये घर है और बहुत इजी है इसको एक्सेस करना हर एक जगह से. अगर नेशनल हाईवे 21 से हम बात करेंगे तो इसका डिस्टेंस 1 to 1.5 kilometers पे है. घर के सामने वाला रोड आप देख सकते हो, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी हुई हैं एंड द विड्थ ऑफ द रोड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 35 feet. फ्रंट एलिवेशन पे पूरा टाइल वर्क हुआ हुआ है सो दैट आपका पेंट का काम जो है आए साल ख़त्म हो गया है. वो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द पेंट जॉब. द हाउस फीचर्स अ 2-bedroom कॉन्सेप्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड अ 2-bedroom कॉन्सेप्ट ऑन द फर्स्ट फ्लोर. तो अगर आप चाहो तो रेंट पे भी दे सकते हो इस प्रॉपर्टी को. एक फ्लोर अपने पास रख सकते हो और एक फ्लोर रेंट पे दे सकते हो. दोनों फ्लोर्स पे किचन्स बनी हुई हैं. अटेंशन टू डिटेल आप देख सकते हो कि जो बर्म एरिया है वहाँ पे भी आपका टेक्सचर्ड पेंट किया गया है. और यहाँ पे डाउन लाइट्स लगी हुई हैं विच विल मेक दिस एरिया लुक इवन मोर नाइसर इन द इवनिंग. और यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइल वर्क किया हुआ है जो कि बहुत एक अच्छी लुक देता है आपके जहाँ पे नेम प्लेट आएगा घर का वहाँ पे. दिस इज द गेट ऑफ द हाउस. और जैसे ही हम एंटर करते हैं आपके ड्राइववे में, यू विल नोटिस कि जो फ्लोरिंग हुई हुई है वो ग्रेनाइट मार्बल है विच इज़ वेरी रिजिड एंड ड्यूरेबल. इसकी मजबूती बाकी सारी टाइल से या और मार्बल से काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 20 mm थिकर. इसकी लाइफ और इसकी शाइन ऑलवेज बरकरार रहती है. टू व्हीलर आप एक SUV, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे आप एक 4-wheeler SUV पार्क कर सकते हो और 2-wheeler की भी पार्किंग आपके पास है. फॉल्स सीलिंग आप देख सकते हो ड्राइववे में भी करी गई है. स्टेयर्स के नीचे एक स्मार्ट स्टोरेज ऑप्शन भी दिया गया है. यहाँ पे आपके दोनों फ्लोर्स के सिलेंडर्स भी आ जाएंगे जो गैस सिलेंडर्स हैं क्योंकि अंडरग्राउंड पाइप्स ऑलरेडी डली हुई हैं. लेट्स एक्सप्लोर द ग्राउंड फ्लोर. एज आई टोल्ड यू गाइज की ग्राउंड फ्लोर पे आपका 2BHK का कॉन्सेप्ट है और फर्स्ट फ्लोर पे भी 2BHK का कॉन्सेप्ट है. एंटर करते ही ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हो कि ब्यूटिफुल फॉल्स सीलिंग के साथ आपका वेलकम होता है घर के अंदर. पूरी वॉल पे एक वॉलपेपर लगा हुआ है जो कि आपके डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम एरिया को कंबाइन करता है. एल शेप में आपकी विंडो आ जाती है जिससे वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो जाती है कमरे की. दिस इज गोइंग टू बी योर ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग एरिया एंड द फॉल सीलिंग डिज़ाइन रन्स ऑल द वे थ्रू द डाइनिंग एरिया टू द ड्राइंग रूम एरिया. यहाँ पे आपका 6 to 8 seater डाइनिंग टेबल आराम से आ जाएगा. साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन है ये LCD पैनल जो है इसके अंदर भी स्टोरेज का काफ़ी सारा प्रोविजंस दिए गए हैं. लेट्स चेक आउट द किचन ऑफ द हाउस. ग्राउंड फ्लोर की किचन एक्सप्लोर करते हैं. यहाँ पे भी हमारा जो एंट्री दी गई है एक बहुत सिंपलिस्टिक येट अ ग्रैंड एंट्री बनाई गई है क्योंकि यहाँ पे टीक वुड का बहुत अच्छा काम किया गया है. जो एंट्रेंस है वहाँ पे ब्यूटीफुल विनियर लुकिंग टीक जो है उसका यूज़ किया गया है. बहुत वार्म टोन्स का यूज़ किया गया किचन को डिज़ाइन करते हुए. एंड यू कैन सी यहाँ पे आपके पास डुअल सिंक आ जाती है जो कि साउंडलेस है. इट्स साउंड प्रूफ.
और साथ ही साथ दो बड़ी विंडोज़ आ जाती हैं वेंटिलेशन के लिए। काउंटर टॉप जो है किचन का वो भी मार्बल है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट इट्स मार्बल। किचन में काफ़ी सारे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको स्पेस मैनेजमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरह डिज़ाइंड है सारे कंपार्टमेंट्स जो हैं। ये आ गया आपका चिमनी का प्रोविज़न, जो कि बाहर ही बाहर उसका पाइप निकला हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे आपके दो बेडरूम्स हैं विद अटैच बाथरूम्स, उसमें से एक बेडरूम आप ये देख रहे हो। यहाँ पे आपके पास बहुत एलिगेंट वॉलपेपर है। एंड द फॉल सीलिंग डिज़ाइन हेयर इज़ अ बिट यूनिक, जो कि हमें बाकी घरों में देखने को नहीं मिलता। 138 गज के घर में बहुत अच्छी अटेंशन टू डिटेल पे काम किया गया है। बाहर बैकयार्ड जाने के लिए यहाँ से भी आपके पास प्रोविज़न है, दरवाज़ा यहाँ पे बना हुआ है। उसके साथ ही साथ यू आर गेटिंग एन LCD पैनल एंड फुल हाइट कबर्ड्स, सो स्टोरेज अगेन इज़ नॉट गोइंग टू बी एन इशू। ड्रेसिंग टेबल एरिया भी आपके पास यहाँ पे डेडिकेटेड मिल जाता है कबर्ड्स के साथ ही। और ख़ास बात यह है कि बाथरूम में आपकी बॉटम टू टॉप टाइल्स लगी हुई हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द पेंट जॉब, क्योंकि बाथरूम में आपका गीज़र का यूज़ होता है तो साइड वॉल्स का जो पेंट होता है वो पील ऑफ हो जाता है, यहाँ पे यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। बैकयार्ड में भी आपका ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है फ्लोरिंग में, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वॉशिंग एरिया, जिसकी प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। पीछे लोहे का जाल भी लगा हुआ है। नाउ लेट्स चेक आउट द सेकेंड बेडरूम। अगर आप इस प्रॉपर्टी पे लोन लेना चाहते हो तो लोन भी आपका इजीली इस प्रॉपर्टी पे हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 50-55 लाख का लोन आप इस प्रॉपर्टी पे ले सकते हो। बाकी सब डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे और आपकी क्या एलिजिबिलिटी बनती है उस चीज़ पे। लेकिन आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक से इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। इट्स अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, यू डोंट नीड टू पे एनी मेंटेनेंस। आए महीने जो आपको प्राइवेट सोसाइटीज़ में मेंटेनेंसेस पे करनी पड़ती हैं, यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 times यहाँ पे सोसाइटी में पानी आता है, उसके अलावा 24 hours इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। एंड दिस इज़ द विंडो फॉर द वेंटिलेशन। AC के प्रोविज़न सारे स्प्लिट ACs के प्रोविज़न ऑलरेडी करे हुए हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट डिगिंग होल्स इन द वॉल्स जब आप कल आओगे घर में रहने के लिए। ये बाथरूम यहाँ पे भी अटैच्ड है, जिसकी टाइल्स बॉटम टू टॉप है अगेन। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करने। स्टेयर्स पे भी आप देख सकते हो ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है, सो स्टेयर्स की भी एज काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है, क्योंकि ग्रेनाइट मार्बल यूजुअली जल्दी टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। फर्स्ट फ्लोर होने का बहुत अच्छा फ़ायदा ये रहता है, अगर आप सिंप्लेक्स हाउस ले रहे हो, कि आप इसको रेंट आउट कर सकते हो बहुत आराम से। और जिस लोकेशन पे ये घर है, अगर आप इस फर्स्ट फ्लोर को पूरा फुली फर्निश कर दोगे, देन आई वुड से ईजिली आपको यहाँ से 25,000-28,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट आ सकता है। यह आपका आ गया ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया ऑन द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे भी आपकी किचन एज इट इज़ है, जो आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखी है वैसी ही। एल शेप्ड किचन है यहाँ पे आपके पास। अगेन द कलर टोन इज़ वेरी वार्म हियर। यू गेटिंग 2 साउंडलेस सिंक्स हियर्स एज वेल। चिमनी का प्रोविज़न यहाँ पे भी है आपके पास। गैस पाइपलाइन जो है वो अंडरग्राउंड डली हुई है, विच गोज़ ऑल द वे टू द ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे आपके दोनों गैस सिलेंडर्स आएंगे दोनों फ्लोर्स के। ये बाथरूम जो है ये इस बेडरूम के साथ भी अटैच्ड है, और ये कॉमन बाथरूम भी है, सो अगर कोई गेस्ट आपके घर में आता है
ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो इस ये वाले बाथरूम को यूज़ कर सकते हो। ये हो गया आपका थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस, एल शेप्ड विंडो है यहाँ पे आपके पास, जिससे वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी खासी आ रही है कमरे में। प्रोविजन यहाँ पे भी स्प्लिट एसी का किया हुआ है। एलसीडी पैनल मिल गया आपको यहाँ पे। और उसके साथ ही साथ आपका कबर्ड्स एंड योर ड्रेसिंग एरिया। With a lot of storage as well. Let's check out the fourth bedroom of the house. यहाँ पे भी आपके पास फॉल सीलिंग है, उसके साथ ही साथ एक विंडो है बहुत बड़ी वेंटिलेशन के लिए। एसी का स्प्लिट एसी का प्रोविजन इस कमरे में भी है। यू गेटिंग एन एलसीडी पैनल और उसके साथ ही साथ ड्रेसिंग एरिया के साथ आपके पास एक ब्यूटीफुली डिज़ाइंड कबर्ड आ गया, जिसका माइका का डिज़ाइन जो है उसका बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। यह आ गया आपका बाथरूम जो कि अटैच्ड है इस कमरे के साथ, और टाइल वर्क यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बॉटम टू टॉप नीचे से लेके ऊपर तक टाइलें लगाई गई हैं, जो कि यूजली आजकल 200 गज के घर जो लोग बना रहे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिल रखना पड़ता है टाइल्स लगाने के लिए नीचे से लेके ऊपर तक। ये आ गया आपका बैकयार्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, इसको भी इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लेट मी शो यू द सेकेंड फ्लोर नाउ। यहाँ पे भी आपकी लोहे की पौड़ी बनी हुई है, और जैसे ही आप आ जाते हो आपके सेकंड फ्लोर पे, यू विल नोटिस कि यहाँ पे आपके सारे एसी के जो आउटडोर्स हैं, आउटडोर यूनिट्स हैं, वो आ जाएंगे और सैटेलाइट केबल्स। उसके साथ ही साथ आप इस फ्लोर को भी इन फ्यूचर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। 1000 लीटर्स का यहाँ पे स्टोरेज टैंक है आपके पास। वो सामने जलवायु टावर्स है जो आप देख रहे हो, उससे ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 700 to 800 मीटर्स की दूरी पे है नेशनल हाईवे 21 से, और जलवायु टावर से इसको नेविगेट करना बहुत आसान है। यहाँ से आप सीधा आके, जस्ट लाइक आई एम शोइंग यू गाइस, इधर आना है और ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। सो डोंट मिस द चांस, जल्दी आओ ये घर को देखो और अपनी डील को फाइनल करो। ऑन टोकन नेगोशिएशन इज़ पॉसिबल, सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक्स।